नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। टेक केयर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में Redmi Note 4 और Redmi Note 3 के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करूंगा। दोनों ही फोन 3GB वेरिएंट का है और कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इससे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो और हमारे फेसबुक पेज पर जरूर लाइक करो। और दोस्तों, देख सकते हो कि जो रीबूटिंग टाइम होता है वो Redmi Note 4 में बहुत फास्ट है। इसका रीज़न है क्योंकि Redmi Note 4 में DDR4 का रैम है। और अब चलिए स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं यहाँ पे और ऐप ओपनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोनों टेस्ट होगा, दोनों एक्चुअली टेस्ट होता है यहाँ पे। पहले मैं ऐप ओपनिंग का टेस्ट करूंगा, दिखाऊंगा कि कौन सा फोन ज्यादा फास्ट ऐप ओपन करता है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा सेकेंड टेस्ट में वही ऐप को मैंने ओपन किया था, कौन सा फोन मेमोरी में ज्यादा ऐप स्टोर कर सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ऐप ओपनिंग के मामले में स्नैपड्रैगन 650 जो नोट 3 में है वो बाजी मार देता है, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड था। ऐप ओपनिंग में 625 उतना भी पावरफुल नहीं है, तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है ऐप ओपनिंग में बहुत सारे कामों में। तो अभी के अभी मैं शेयर इट पे हूँ नोट 3 में, और यहाँ पे डेट ट्रिगर 2 में हूँ नोट 4 में। और इसके बाद जीमेल, और दोस्तों मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क में ही दोनों फ़ोन को कनेक्ट किया है और वाईफाई नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्विटर नोट 4 में, और आगे है नोट 3 गूगल ऐप्स में, यानी कि जी मैप्स। तो यहाँ पे यूट्यूब है नोट 3 में, यहाँ पे भी यूट्यूब ऑलमोस्ट टच कर चुका है जो नोट 4 है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका है यहाँ पे। और मैसेजिंग में है नोट 3, और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में है नोट 4, और यहाँ पे कैमरे में है नोट 3। तो चलिए देखते हैं नोट 3 ऐप ओपनिंग के लिए कितना टाइम लेता है। तो 1 मिनट 20 सेकेंड नोट 3 ले रहा है ऐप ओपनिंग के लिए, और वहाँ पे ही नोट 4 लगभग ले रहा है 1 मिनट 30 सेकेंड, लगभग 10 सेकेंड का डिफरेंस। तो इससे मालूम होता है कि जो 650 है वो ऐप ओपनिंग के लिए, दोस्तों ऐप ओपनिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं मेमोरी मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आकर DDR4 मेमोरी जो Redmi Note 4 में है वो बाजी मार देता है। आप देख सकते हो जो भी ऐप मैंने ओपन किया था लगभग सारे के सारे मेमोरी में है, और ये काफ़ी अच्छा एक चीज़ है क्योंकि लगभग नोट 3 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि टच कर चुका है नोट 3 को, लेकिन 10 सेकंड का वो जो एडवांटेज था नोट 3 का वो अब यहाँ पे नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जो DDR4 मेमोरी है वो मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत बूस्ट दे रहा है Redmi Note 4 को। तो 2 मिनट 10 सेकंड में ये हुआ Redmi Note 3 का अंत, और यहाँ पे 2 मिनट 12 सेकंड लगा Redmi Note 4 को। तो 2 सेकंड का जो डिफरेंस है दोस्तों, मेरा भी बहुत सारा एरर हुआ है, शायद आप लोगों ने जरूर उसको नजर किया है। तो वहां पे मुझे लगता है कि दोनों ही फोन बिल्कुल सेम है। जी हाँ, ऐप ओपनिंग में Redmi Note 3 फास्ट था, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए और सभी के लिए ही, तो मेमोरी मैनेजमेंट में Redmi Note 4 बाजी मार देता है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, रनिंग अच्छा लगा तो जरूर डिसलाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस फोन को लेकर और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और Redmi 4 Prime जो है मेरे पास, दोनों ही यहाँ पे 625 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो इसका भी एक कंपैरिजन स्पीड टेस्ट आएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।